कबीर दास जी कहते हैं कि तुम जैसा भोजन करोगे वैसा ही मन रखोगे। मन एवं भोजन का साम्य अद्भुत है। ठीक इसी प्रकार तुम जैसा जल पियोगे तुम्हारी वाणी भी वैसी ही होगी। अर्थात शुद्ध सात्विक आहार तथा पवित्र जल से मन और वाणी पवित्र होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो जैसी संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है। शायद यही वजह है कि शास्त्रों में भोजन का विशेष महत्व भी बताया गया है। साथ ही भोजन करने से जुड़े कई नियम भी धार्मिक ग्रंथों में बताए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोजन से भी शुभ अशुभ घटनाओं के संकेत मिलते हैं? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। बस हमें इसे समझना ज़रूरी होता है। जैसे खाने में बार बार बाल मिलना भी जीवन से जुड़ा संकेत होता है, तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि भोजन के दौरान बाल मिलना किस बात का संकेत है।